वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में डिस्कशन की थी, उसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें कि हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी रीड किया था। तो आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, दैट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस वन। ठीक है, हमें एक सोल्यूशन की दी हुई है कंडक्टिविटी जिसकी के 0.20 मोलर है कंसंट्रेशन। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, यानी कि हमें फाइंड करना है लैम्डा। हमने इसका फॉर्मूला कल सोल्व किया था, ठीक है, ड्राइव किया था हमने इसका फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था? कंडक्टिविटी इंटू 1000 ओवर मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो यहाँ पर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज़ 0.0248। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा आंसर, 0.0248 सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और 1000 1000 रहेगा, बट इसकी यूनिट्स हम साथ में क्या यूज़ करते थे, सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, और डिवाइड में आएगी मोलर कंसंट्रेशन 0.20 मोल पर लीटर। तो आपको यूनिट्स को उतारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स को याद किया हुआ है तो आप उनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या बनेगा, आपको इसकी सोल्विंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन आपको पूरी की पूरी खुद करनी होगी। यहाँ से 4 जीरोज़ आएंगी, 248 बाय ऊपर है 1000 और नीचे से जाएगा 100 और यहाँ पर बच गया 20, और इसकी यूनिट्स अब क्या बन जाएंगी, सीमन। ठीक है, और आपको इसकी यूनिट्स को भी साथ में यहाँ पर अब सोल्व कर उतारना पड़ेगा। सो ये बन जाएगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, हमने ये यूनिट्स को कल भी सोल्व किया था। ठीक है, बाकी की सोल्विंग अब आपको यहाँ से खुद करनी पड़ेगी। ये 4 जीरोस इसके साथ हो जाएंगी कैंसल, ठीक है, और ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पर 2 के साथ होगा डिवाइड। सो 1 2 4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था, आपको डायरेक्ट वैल्यूज यूज करनी थी फॉर्मूला में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज स्टेटमेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस वन। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी गई है 1500 ओम। ठीक है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, हमें क्या सोल्व करना है, सेल कांस्टेंट जी स्टार याद है ना, फॉर्मूला क्या था, एल ओवर ए। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन, यानी कि यही सेम सॉल्यूशन है, इसकी हमें साथ में क्या दी हुई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू, दैट इज 0.146 × 10⁻³ सीमन पर सेंटीमीटर। तो हमें साथ में इसकी दी हुई है कंडक्टिविटी, तो हमें सोल्व करना है जी स्टार। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला किया था कल, के इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला था, और यहाँ पर जी क्या थी, 1 ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी स्टार इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, सो हमें सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, जी स्टार यानी कि सेल कॉन्स्टेंट, जी स्टार क्या है, सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू द कंडक्टिविटी, यानी कि 0.146 × 10⁻³ इंटू द रेजिस्टेंस 1500। ठीक है, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई सोल्व करनी होगी, 1500 को मल्टीप्लाई करवाएं विद 0.146। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 1500 विद 0.146, देन वी गेट 219। ठीक है, तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा 219 × 10⁻³। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो 0.219। ठीक है, सेल कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा यहां से सोल्व हो जाएगा। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सुनाओ। इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद द 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद द 0.2 मोलर सॉल्यूशन
सॉरी यहाँ पर आएगा 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। ठीक है, तो हमें क्या सोल्व करना है, फाइंड द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन गिवन दैट द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज दिस वन। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन यूज़ किया है, दैट इज़ द 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। ठीक है, 0.1 मोलर KCl का जो होगा सॉल्यूशन, उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कितनी है उसकी, 100 ओम। ठीक है, एंड आल्सो उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा सॉल्यूशन, दैट इज़ द 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, उसके लिए रेजिस्टेंस हमें बताई गई है 520 ओम। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हो गई 520 ओम। तो हमने क्या सोल्व करना है, हमने इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी को सोल्व करना है। ठीक है, एंड आल्सो द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.1 मोलर सॉल्यूशन, दैट इज दिस वन, इज 1.29। ठीक है, तो हमें इस सॉल्यूशन की बताई गई है कंडक्टिविटी 1.29 सीमन पर मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या सोल्व करना है, इस सॉल्यूशन की यह कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि प्रॉब्लम में हमें क्या वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें क्या सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमने सेम सेल यूज़ किया है, यूजिंग द सेम सेल। सो इसका मतलब क्या है कि सेल कॉन्स्टेंट सेम रहेगा। तो हम सबसे पहले इस सेल से क्या निकालेंगे, सेल कॉन्स्टेंट। तो क्या फार्मूला था हमारे पास, के इज़ इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, और जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r इंटू जी स्टार। तो r हमारा इस तरफ जाएगा, सो दिस बिकम्स जी स्टार इज इक्वल्स टू दी के इंटू आर। ठीक है, तो जी स्टार को हम सोल्व कर देते हैं, के की वैल्यू है हमारे पास 1.29 और r की वैल्यू है हमारे पास 100, और ये सोल्व होकर आ गया 1.29। इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, इस बात का ख्याल रखना है, मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर हमने दूसरी साइड पर सभी आंसर्स को इसी यूनिट में सोल्व करना है, देन ओके, बट हम मोस्टली सोल्व करते हैं इन दी सेंटीमीटर्स, तो हम इसको चेंज कर देते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। तो क्या होगा, यहाँ पर 100 से डिवाइड होगी। क्यों डिवाइड होगी, बिकॉज देयर इज़ ए मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारा सेल कॉन्स्टेंट सोल्व हो चुका है, नाउ वी हैव टू सोल्व दी वैल्यू ऑफ द के। ठीक है, सो नाउ कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, फिर से हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1/r, जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r, 520 इंटू दी जी स्टार की वैल्यू है 1.29। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सोल्व करना है, काफ़ी हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी यह सोल्विंग है। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.29/52 रख लेंगे। अब इसकी दो जीरोज आनी थी डिवाइड में, एक जीरो इसकी है, तो ये हम बना लेंगे साथ में 1/1000। अब आप लोगों ने 1.29 को 52 के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड तो हो जाएगी। ठीक है ना, सभी को आती होगी डिवाइड करनी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.48, और इसको हम साथ में लिख लेंगे 10^-3। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स सब क्या बनेगी, सीमन पर सेंटीमीटर। तो एक हमारा आंसर अब यहाँ पर सोल्व हो चुका है, दैट इज़ फॉर दी एक कंडक्टिविटी। ओके, सिंपल सोल्विंग है, बस आपको इस साइड से इंफॉर्मेशन दूसरी साइड पर यूज़ करनी है। नाउ सोल्व दी वैल्यू ऑफ दी मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, के इन 2000/m। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2.48 इंटू यह 10^-3, और साथ में यूज़ होगा यह 1000, और डिवाइड में m की वैल्यू कितनी है, 0.02। ओके, अब ये जो है ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, 1000 और 10^-3। अब इसकी भी दो जीरोज़ आनी थी ओवर में, इसकी भी ऊपर जानी थी दो जीरोज़, तो वो दोनों आपस में हो गई कैंसिल, तो ये बचा ओनली दिस वन। तो ये आपका आंसर बन गया 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दीज आर द यूनिट्स ऑफ दी मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट्स आपने ज़रूर लिखने हैं, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम हम इसके साथ इंपॉर्टेंट और सोल्व करते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, दैट कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर एसटी केसड इज दिस वन। तो हमें इसकी बताई गई है कंडक्टिविटी एक एसटी केसड के सॉल्यूशन की। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, वो तो हमने सोल्व करनी है। एंड इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसटी केसड इज दिस वन,
ठीक है, तो ये भी हमें अब साथ में वैल्यू दी गई है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की। वट इज इट्स डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट, तो हमें क्या सोल्व करना है डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट, इसका अब मैं यहाँ पर आपको फार्मूला भी बताऊँगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो भी अब आप लोग अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंफॉर्मेशन है देखते हैं, तो हमें यहाँ पर बता दी गई है मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम हमारी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज अवर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू दी 0.00241 मोलर, एंड साथ में हमें वैल्यू दी गई है ऑफ दी ये कंडक्टिविटी, आपको यूनिट से भी आइडिया हो सकता है, तो ये वैल्यू हो गई 7.896 × 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी सोल्व करते हैं, तो क्या फार्मूला था मोलर कंडक्टिविटी का, K × 1000/m, तो K की ये वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है, और साथ में आएगा यहाँ पर 1000 और ओवर में आ गई आपकी मोलैरिटी, ठीक है, सिंपल है। अब इसकी सोल्विंग के लिए हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ज़ीरोस को सभी को हम यहाँ पर सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं, इन सभी टर्म्स को अलग रख लेते हैं 7896/241, अब बाकी की जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो ये थी 10⁻⁵, इसमें इसकी कितनी पावर बन जाएगी प्लस, यह 3 हो जाएगी, और यहाँ से कितनी जीरोज आनी थी ऊपर 1, 2, 3, 4, यह 5, तो ये भी ऊपर जाकर हो जाएंगी यह प्लस 5। तो यहाँ पर क्या था कि इसकी जो थी जीरोज़ वो भी यहाँ पर आएगी, ठीक है, डिवाइड में, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों के डिवाइड कर कर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसका सिंपली आंसर यह सोल्व कर सकते हैं, जस्ट आपको ये वाली डिवाइड सोल्व करनी है, ओके, इतना तो काम आप लोग ये खुद करेंगे, ओके। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, नाउ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन लैम्डा एम नॉट, दिस इज इक्वल्स टू द 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मैंने आपको इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पर क्या सोल्व कर सकते हैं, अल्फा सोल्व कर सकते हैं, अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, तो उसका फार्मूला क्या था लैम्डा एम डिवाइडेड बाय दी लैम्डा एम नोट, मतलब इनफाइनाइट वाली, और जो हमारी यहाँ पर दी गई है कंसंट्रेशन उस पर जितनी होगी मोलर कंडक्टिविटी, उन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है, सो दिस बिकम्स दी 32.76 डिवाइडेड बाय दी दिस वन। तो इनकी जीरोस को सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो आप लोगों को डिवाइड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी आनी थी 2 जीरोज, इसकी ऊपर जाएगी 1, तो यहाँ पर बच जाएगी ओनली 1, ठीक है, सोल्व। अब इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, तो ये भी आपका अब सिर्फ डिवाइड वाला काम बचता है, ठीक है ना, डिवाइड करना आप लोगों को खुद करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर डिवाइड करने के बाद एटलीस्ट डेसिमल प्लेसेस से आगे ज़ीरोस को छोड़कर एटलीस्ट 2 डिजिट आपने ज़रूर सोल्व करने हैं डिवाइड में, ठीक है, अगर आगे कुछ जीरोज आ जाते हैं एटलीस्ट 2 आपने आगे फिर ज़रूर सोल्व करने हैं डिवाइड में। जैसे हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.839, ठीक है, मैंने डिवाइड ऑलरेडी सोल्व की हुई है, आप लोगों ने खुद करके देखने, डिवाइड तो आप लोग खुद कर सकते हैं, ओके। अब उसने हमसे क्या पूछा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब ये क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के ए इज इक्वल्स टू दी कंसंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ठीक है, तो हमने क्या फार्मूला लगाना है, कंसंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर यानी कि डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 0.00241, ठीक है, साथ में अल्फा का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक ज़ीरो आनी है, ठीक है, ठीक कर लेना वैल्यू, ये वाली आएगी ना ज़ीरो, ठीक है, उसके कारण, तो इसका करेंगे स्क्वायर और 1 - 0.0893, ठीक है। अब इसकी सोल्विंग के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले इसको तो हम ऐसे ही रखने वाले हैं, ठीक है, अब जब ऐसी सोल्विंग आ जाए ना, तो अगर आपने पूरी सोल्विंग को वहाँ पर खुद सोल्व करना है तो आपको इसको राउंड ऑफ कर लेना है, और हमारे पास बिल्कुल नहीं वो ऑप्शन बचता, राउंड ऑफ कर लें तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों ने 893 का स्क्वायर सोल्व करना है, ठीक है, मैं इसका स्क्वायर ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, आप लोग इसका स्क्वायर ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसका अब हमने यहाँ पर स्क्वायर सोल्व किया, सो दिस बिकम्स दी 7392 इसका स्क्वायर है। अब देखिए जीरोज़ यहाँ पर कितनी थी, 1, 2, 3, 4, ठीक है,
तो जब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो आगे यहाँ पर अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर कर ये बन गया -a, बाद में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और डिवाइड में आप लोगों ने इन दोनों को यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर बन जाएगा 0.9161। ओके, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इससे आगे हमने इनको राउंड ऑफ कर कर सोल्व करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनाओ, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको भी राउंड ऑफ करवा कर यहाँ पर बना लिया 0.0024, ठीक है। अब इसकी जो ये जो जीरोज़ हैं ऊपर वाली वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको भी राउंड ऑफ है ये कर लेते हैं और इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा राउंड ऑफ हम अपनी इन सॉल्विंग्स में जितनी ज़्यादा राउंड ऑफ इन सभी वैल्यूज़ को हैं करेंगे, उतना ही हमारा आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर से वहाँ पर कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन शो होनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने एटलीस्ट राउंड ऑफ को यूज़ करना है, ठीक है, जितना हो सके मिनिमम, बट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सॉल्विंग आप लोग इजीली वहाँ पर सोल्व कर पाएँ उतना आप लोगों ने राउंड ऑफ कर लेना है। अगर आपको ये भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट है ठीक है फील होता, तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 तक रख सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। और इसको हम यहाँ पर अब राउंड ऑफ करते हैं, तो इसको हमें यहाँ तक रख लेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 0.0024 × 0.00704 और डिवाइड में बच गया 0.916। तो ये आपका बन गया ये 24704 और 916। जीरो से जितनी भी है उनको हम यहाँ पर अलग से लिखते हैं, इसकी जीरोज़ ऊपर आएंगी, इसकी जीरोज़ ओवर में आएंगी और इसकी जीरोज़ भी ओवर में आएंगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे हो सकते हैं कैंसल अपॉन द 4 सोल, तो ये 4 पर हुआ, यहाँ पर आ गया 6, और ये होगा 4 पर, ठीक है, कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पर करेंगे 2, 2, 9, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने यह करवा देनी है मल्टीप्लाई विद द 6, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 4, 2 और 2, 4, ठीक है। तो बाकी के इनको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स दी 10^-6। अब सिर्फ आपने इस एक डिवाइड को करना है, डिवाइड सोल्व कर लें तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो हम यहाँ से इधरली साइड पर यूज़ कर लेते हैं, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये हमने क्या सोल्व किया है, डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। थोड़ी सी सोल्विंग इसकी डिफ़िकल्ट है, बट आप लोगों ने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैंने आपको पूरी सोल्विंग पूरी ही कैलकुलेशन यहाँ पर बता दी है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 mol/L, ठीक है, ये हो गया उसका हमारे पास कंसंट्रेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 cm, डायामीटर हमें दिया हुआ है 1 cm, एंड लेंथ 50 cm, लेंथ 50 cm है, इज दिस वन, ये ओम में है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, सबसे पहले हमें सोल्व करनी है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, मोलैरिटी दी हुई है, कंसंट्रेशन 0.05 mol/L, ठीक है, डायामीटर दिया गया है 1 cm, इससे हम निकालेंगे रेडियस यानी कि 1/2 cm, इससे हम निकालेंगे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज द सर्कुलर पार्ट होता है πr², ठीक है। सो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, π × 1/2 का होल स्क्वायर। सो इसकी आपको अब सोल्विंग करनी पड़ेगी, π/4 बन जाएगा ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हमारे पास बन चुका है π/4। अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज़ करें 3.14 अप्रोक्सीमेटली, उसको अगर हम डिवाइड कर दें बाय 4, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.785। सो पेपर में आपको सभी डिवाइडिंग वाला काम खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास L दी गई है, लेंथ इज 50 cm बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले सोल्व करते हैं रेजिस्टिविटी, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो ओवर एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, R × A/L, ठीक है। तो R यानी कि रेजिस्टेंस दैट इज दिस वन 5.55 × 10^3, A की वैल्यू हमने अभी भी सोल्व की है, ठीक है,
और L की वैल्यू बन जाएगी 50। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज सोल्व कर कर आपको इसका यहाँ पर आंसर सोल्व करना है। तो अब सोल्विंग प्लीज़ इसकी खुद करें, काफ़ी इजी हो जाएगी क्योंकि ये भी 5 पर हो सकता है कैंसिल, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका 50 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आप इसकी सोल्विंग कर सकते हैं। ओके है, अब हमारी रेजिस्टिविटी आ गई है, अब हमें सोल्व करनी है कंडक्टिविटी यानी कि के, वो क्या बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका पहले आंसर सोल्व कर लें। इसका आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेटली बनेगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करते हैं 50 के साथ, ठीक है, तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा विद 1000, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास बन जाएगा 87.135। तो प्लीज़ आप लोगों को ये सभी कुछ खुद सोल्व करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन का काम आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, सो ये बन गया हमारा रेजिस्टिविटी का आंसर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या बनेंगे, ओम सेंटीमीटर। अब हमें सोल्व करना होगा कंडक्टिविटी, दैट इज 1/रेजिस्टिविटी, 87.135 को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से आपको उतार देना है इसको डिवाइड करने के बाद। ठीक है, सो हम 1 को डिवाइड करेंगे बाय 87.135 के साथ, इसको आप डिवाइड कर देखें, आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स में। फिर हमें यहाँ से सोल्व करनी है मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। कंडक्टिविटी आई है 0.01147 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, मोलर कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.05। ठीक है, अब आपको इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी, तो इसकी डिवाइड करें, इसका आंसर सोल्व करें क्या बनता है। ठीक है, वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 229.52, ऐसा कुछ आंसर आपका आ सकता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सिंपल से न्यूमेरिकल करने हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा जो सबसे मुश्किल काम है इसमें वो है इसमें सोल्विंग करना। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना वही इसमें सिर्फ एक मुश्किल काम है, बाकी ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल हैं। तो प्लीज़ इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व कर देखें, ऐसी और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।